नमस्कार भैया, राम राम। हम हैं आशुतोष और आप देख रहे हैं बुंदेली वार्ता। झांसी के रक्षा थाना क्षेत्र में एक गांव पड़त है पनावली कला। ई पनावली कला गांव में वंदना नाम की एक महिला ब्यूटी पार्लर चलाते हैं। बीते रोज वंदना के ब्यूटी पार्लर में एक व्यक्ति ने घुस के उके ऊपर चाकुअन से ताबड़तोड़ बार करता है। लहू लुहान हालत में जब उकी बहन ने देखो तो इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस वंदना को अस्पताल लवा ले गई, जिते फिलहाल वंदना को इलाज चल रहा है। लेकिन आखिर का कारण हतो कि कौनू वंदना के ब्यूटी पार्लर में घुस के उके ऊपर चाकुअन से ताबड़तोड़ बार करतो, घटना की वजह का आती। हालांकि घटना करवे वाले व्यक्ति को पुलिस तलाश कर रही है। उतनी वंदना के पिता रामकिशोर की तहरीर पे पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लो है और उसके साथ मारपीट की। इस घटना में महिला के चेहरे पर चोट आई है और इस तहरीर पर तत्काल थाना रक्षा पर एक मुकदमा सुसंगत धाराओं में पंजीकृत कर लिया गया है और अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। दरअसल वंदना की बहन पूजा को कैबो है कि दिन के करीब 1:30 बजे को समय हतो, गुरुवार को दिन हतो, तारीख थी 25 जुलाई। 1:30 बजे बा अपनी बहन जिते ब्यूटी पार्लर खोले हैं वंदना, उनको खाना देवे के लाने घर से ब्यूटी पार्लर पहुंची थी। ब्यूटी पार्लर को काम सीखवे के लाने एक और लड़की आती, बा भी मौजूद हती। वंदना को 2 साल को बच्चा हतो। बच्चा को लेके पूजा मकान मालिक के घर चली गई। बच्चा को छोड़ के आई तो पतो चलो कि एक व्यक्ति जो वंदना को पति है, जिको नाम रविंद्र पाल है और जो दतिया के इंद्रगढ़ क्षेत्र के एक गांव को रहने वालों है, वो वंदना से मिलवे के लाने आओ है। वंदना से मिलवे पहुँचे रविंद्र ने वो लड़की को बाहर कर दो। जब पूजा 2 साल के बच्चा को छोड़ के ब्यूटी पार्लर पहुँची तो उसे भी कह दी कि कछु बात करना है। पूजा भी बाहर आके बैठ गई कि का पतो पति पत्नी के बीच का बात होने हैं। सुबह भी बाहर आके बैठ गई। मैं बाहर आके बैठी ही थी कि थोड़ी ही देर में रविंद्र उतर से दौड़त दौड़त बाहर निकलो। पूजा को लगो कछु गड़बड़ है तो पूजा भी दौड़त दौड़त ब्यूटी पार्लर के अंदर पहुंची, जिते लहू लुहान हालत में उन्हें वंदना को देखो। जैसी लहू लुहान हालत में उन्हें वंदना को देखो तुरंत शोर मचो। शोर मचवे के बाद मकान मालिक ने डायल 112 को इस घटना की जानकारी दी, जिसके बाद मौका पर पुलिस पहुंची। पुलिस ने एम्बुलेंस बुलाई और एम्बुलेंस की मदद से वंदना को अस्पताल में भर्ती कराओ। अब वंदना को इलाज चल रहा है। लेकिन इसके पीछे की जो घटना बताई जा रही है, वह बताई जा रही है कि आपस में पति पत्नी के बीच अनबन रहती। वंदना के पिता ने वंदना की शादी आज से करीब 5 साल पहले दतिया के इंद्रगढ़ क्षेत्र के एक गांव में रहने वाले रविंद्र पाल से कराई थी। शादी के कछु दिना तो सब कछु ठीक ठाक चलत रहो, लेकिन कछु ही दिन बाद रविंद्र आए दिन शराब पी के गाली गलूच करके वंदना से झगड़ा करने लगो तो और घर से अचानक गायब हो जाते। तो अपने मौड़ा को गायब पाके घर वाले भी वंदना के ऊपर दबाव बनाते कि अगर उनको लड़का वापस घरे नहीं आओ तो इको पूरा भुगतान तुम्हें और तुम्हें घर वाले को करने पड़े। एक बार की बात होती चल जाती, लेकिन अब जो आए दिन को सिस्टम बन गया तो आए दिन रविंद्र आत तो शराब पी के और वंदना के साथ झगड़ा करके घर से गायब हो जाते। तो कछु दिन चली, कछु दिन बाद वंदना के पिता ने इंद्रगढ़ में वंदना को एक ब्यूटी पार्लर खुलवा दी। लेकिन उतने भी रविंद्र झगड़ा करवे के लाने पहुँच जाते। तो बीते 2 महीना पहले बताई जा रही है कि वंदना के पिता जो रामकिशोर हैं वे वापस पनावली लवा ले आए और इत एक किराए की दुकान लेकर उनको ब्यूटी पार्लर खुलवा दी। अब वंदना बीते 15 रोज से एक ब्यूटी पार्लर में काम कर रही थी और कछु लड़कियों को ब्यूटी पार्लर को काम सिखा रही थी कि 25 जुलाई को जब वारदात सामने आई है। अभी घटना के बाद पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है। आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लो है और आरोपी की तलाश में लगातार पुलिस अलग अलग जगह दबिश दे रही है। अब देखने जो है कि आरोपी पति और उनके एक अज्ञात साथी को पुलिस कब तक गिरफ्त में लेते हैं। ये रिपोर्ट में फिलहाल लेते की, लेकिन और भी तमाम घटनाएं, तमाम कहानियों के लाने आप जुड़े रहो बुंदेली वार्ता से।